आपका स्वागत है। आपके साथ में प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं एमपी के राज्यपाल लाल सिंह टंडन का आज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में हुआ निधन। लखनऊ में विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश पर 20,000 का इनाम घोषित घटना के बाद से है फरार। कानपुर में बेकाबू हुआ कोरोना। कानपुर के 10 थाना क्षेत्रों में लगाया गया लॉकडाउन। बिजनौर में आम के बाग में खून से लथपथ मिला युवक का शव चाकू से खोद कर उतारा मौत के घाट। किरतपुर के अफगान इलाके का है मामला। लखनऊ में भारी बारिश से घर की कच्ची दीवार गिरी। दीवार के नीचे दबकर मासूम बच्ची की मौत। दंपति गंभीर रूप से घायल। निगोहा के उतरावा के डी गांव की घटना। आम आदमी पार्टी विधायक राघव चड्ढा के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा दिल्ली सरकार झूठ की बहुत बड़ी फैक्ट्री। मथुरा में राजा मान सिंह एनकाउंटर केस में 35 साल बाद डीएसपी समेत 17 आरोपी पुलिस वालों पर आ जा सकता है फैसला। विकास दुबे केस में प्रभात मिश्र उर्फ कार्तिकेय एनकाउंटर की न्यायिक जांच करेंगे अपर सिविल जज। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में थे भर्ती। आंध्र प्रदेश में चित्तूर के परिवार विवाद में एक ही घर के 4 लोगों ने की खुदकुशी। राजस्थान में वसुंधरा राजे से बंगाल खाली कराने के मामले में 10 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। बोले मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ। WHO के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 लाख के पार। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर बोले सीएम योगी वे लखनऊ के प्राण थे। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से राजधानी के कई इलाकों में पानी भरा। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। मध्य प्रदेश के नेताओं ने दी महामहिम को श्रद्धांजलि। गुरुग्राम में 5वीं मंजिल से कूदकर एयर होस्टेस ने किया सुसाइड। पायलट दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज। हरियाणा में युवक की हत्या। हत्यारों ने चलाई 20 गोलियां। हरियाणा के हिसार जिले में बड़वाली ढाणी में चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। दिल्ली में कोरोना मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आज होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव ने कहा योगी सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के हालात। गाजियाबाद में पत्रकार के साथ मारपीट और गोली मारने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में एनसीबी ने दो अलग ऑपरेशन के जरिए 2 नाइजीरियाई समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो चीन और 5G पर चर्चा करने पहुंचे इंग्लैंड। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर आज श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की अहम बैठक। पेरिस में 29 जुलाई को भारत पहुंचेंगे 5 राफेल विमान। पश्चिम बंगाल हिंसा मामले में उत्तर दिनाजपुर से 15 लोग गिरफ्तार। बड़ी बढ़त के साथ शेयर बाजार की शुरुआत सेंसेक्स 37,800 अंक के स्तर पर। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। आगे की तमाम बड़ी